सो गैस हम लोगों ने अभी अपनी माई ऑसम कार्ड को बहुत ऑसम बना दिया है। यहाँ पर मैं सिंपली करने क्या वाला हूँ वही करूँगा यार, जो मैं करते जा रहा हूँ। मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, और बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं कि वो बोर हो गए हैं, लेकिन यार मैं इस वेबसाइट को कंप्लीट करना चाहता हूँ, आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट सही से बनाकर दिखाना चाहता हूँ यार, तभी तो मज़ा आएगा। अगर मैं इसको बीच में छोड़ दूंगा तो कैसे चलेगा। यहाँ पर स्लैश शॉप लिखूंगा। अब हमने यहाँ पर किया क्या क्या था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारी यहाँ पर कार्ड थी, जैसे ही मैं इसको रिलोड करता हूँ तो मेरी जो कार्ड है वो यहाँ पर शो हो जा रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, उसको भी हम फिक्स करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर चेकआउट वाला जो बटन है, चेकआउट वाला पेज है, बटन नहीं, जो पेज है मेरा चेकआउट वाला, उसके लिए मैं कुछ तामझाम करूंगा। तो चेकआउट का जो पेज रहेगा हमारा, मैं getbootstrap.com पे भी चला जाता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंटेशन में जाके कंपोनेंट्स में चला जाऊँगा। तो getbootstrap.com में सिंपली क्या है, कुछ कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं मुझे मिल जाएंगे। मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, सबलाइम खोल लेता हूँ यार सबसे पहले, और सबलाइम यहाँ पर खोलने के बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी जो checkout.html है इसको खोलूँगा और यहाँ पर कोडिंग करना चालू करूंगा। तो यहाँ पर मैं कोड क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा, इसमें ऊपर मैंने यहाँ पर एक्सटेंड्स वगैरह भी लिखा हुआ था अगर आप लोग को याद हो तो। इस डिव में मैं एक क्लास लगाऊंगा, मैं लिखूंगा क्लास इज इक्वल टू कंटेनर, और कंटेनर क्लास लगाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, एक H2 टैग लगाऊंगा, और H2 टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टेप वन, मैं कुछ स्टेप्स दूंगा अपने यूजर्स को, मैं कहूंगा माय ऑसम ऑसम कार्ट एक्सप्रेस चेकआउट, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा रिव्यू योर कार्ट आइटम्स, और इसके बाद मैं इन लोगों को इनके कार्ट के आइटम्स जो हैं वो प्रस्तुत करूँगा। कार्ट के आइटम्स को प्रस्तुत करने के लिए एक डिव टैग लगा देता हूँ यहाँ पर, तो मैं एक डिव टैग लगा दूंगा, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, लिखूँगा ID इज इक्वल टू आइटम्स। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी इनके कंटेंट को, क्योंकि अभी जो इसके अंदर मैं पटकने वाला हूँ वो बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन से उठा के पटकने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि कहाँ से मैं क्या चीज़ लेकर आऊँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली आऊँगा लिस्ट ग्रुप पे क्लिक करूँगा, तो लिस्ट ग्रुप पे क्लिक करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए मुझे लगाने को, अगर तो जो है बहुत ही अच्छी बात होगी। अब ये देखो, ये चीज़ मेरे यूज़ के लिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा इस कोड को, और क्या करूँगा यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, और जैसे ही कंट्रोल से सेव करूँगा रीलोड करूँगा, ये देखो यार स्टेप वन ये आ गया, और यहाँ पर मेरे आइटम्स होंगे, यहाँ क्वांटिटी रहेगी, कितना अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं स्टेप टू दूंगा अपने यूज़र्स को, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो मैंने स्टेप वन दी थी उसको एक डिव टैग के अंदर लपेट देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूंगा डिव क्लास इज इक्वल टू कॉल, और ये जो क्लोजिंग डिव टैग है इसको यहाँ से हटा के क्लोजिंग डिव टैग को अपना कहाँ लगाऊंगा, ये क्लोजिंग है इसका, इसका क्लोजिंग होना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पर एक और क्लोजिंग डिव टैग लगा दूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एच करूंगा, तो इससे क्या होगा, ब्यूटीफाई हो जाएगा वो। उसके लिए आप लोगों को सबलाइम का ये जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप लोगों ने नहीं किया तो, HTML CSS JS Prettify एनीवेज जो भी हो। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली मैंने जो काम किया है, मेरा कॉल यहाँ पर चालू हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, एक और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा स्टेप टू लिखने के लिए, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक डिव टैग लगाऊंगा, और उस डिव के अंदर मैं क्या करूँगा, डिव के अंदर वही करूँगा जो मैंने पहले किया था, उसको कॉल क्लास दे दूंगा COL, और यहाँ पर जो क्लोजिंग डिव है इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर अभी इसको इस तरह क्लोज करता हूँ, मैं प्रिटिफाई करते जा रहा हूँ अपने कोड को ताकि मतलब अच्छा रहे सब कुछ। अब यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि भाई यूज़र, जो मेरा यूज़र है, मैं चाहूँगा कि वो अपनी डिटेल्स को सबमिट करे, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंटर एड्रेस एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इतना लिखा, इसको कोलन लगाया। अब यहाँ पर मैं एक फॉर्म यहाँ पर लगा सकता हूँ। अब फॉर्म मैं कहाँ से लाऊंगा, ऑब्वियसली यार मैं तो इतना आलसी आदमी हूँ कि खुद से कुछ लिखता नहीं हूँ, बूटस्ट्रैप से कॉपी करूँगा फॉर्म में, देख रहा हूँ कोई अच्छा सा फॉर्म मुझे मिल जाए जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूँ, और मतलब इस यूज़ केस के लिए कोई अच्छा फॉर्म मिल गया तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी यहाँ पर इस तरह से ये वाला फॉर्म भी चलेगा, बट हाँ ये फॉर्म अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पर एड्रेस वेड्रेस सब है। ये कौन सा वाला है, मैं देख रहा हूँ, ईमेल पासवर्ड एड्रेस एड्रेस टू, हाँ यही वाला है, इसको कॉपी करते हैं, और अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और कंट्रोल शिफ्ट एच कर दूंगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एच करूँगा इसको कंट्रोल जैसे सेव करूँगा, और यहाँ पर देखूँगा कि क्या सीन है। तो मैंने यहाँ पर इसको रिलोड किया, यहाँ पर देखो ये आ गया है, तो यार ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी मुझे गड़बड़ दिख रही है, ये जो मार्जिन पैडिंग वगैरह वो देना है थोड़ी सी, चलो दे देते हैं वो भी, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं इसको MY2 दे दूंगा यहाँ पर, इसको भी MY2 दे दूंगा, यानी कि मार्जिन वाई में दे दूंगा 2। कंट्रोल से सेव करता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ, और जैसे मैं ये करूँगा रिलोड करूँगा, हाँ कुछ तो आया, लेकिन MY4 दूंगा तो शायद थोड़ा बेहतर रहेगा, करके देखता हूँ। MY4 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, M क्या होती है, मार्जिन होती है, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैंने बताया हुआ है लर्न बूटस्ट्रैप इन वन वीडियो में, और MY4 करने से थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा रहा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो मैं यहाँ पर साइन इन वाले बटन को सबसे पहले चेंज करूँगा, साइन इन वाले बटन में मैं सिंपली क्या लिखूँगा, साइन इन वाले बटन में मैं यहाँ पर लिखूँगा प्लेस ऑर्डर, ठीक है।
अब यहाँ पर ये सारा फॉर्म तो मैं बाद में हैंडल करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि क्या ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं लेना चाहता हूँ यूज़र से। मैं यहाँ पर लिखूँगा ईमेल, अगर मान लो डालता है यूज़र हमारा, पासवर्ड डालता है, पासवर्ड क्या डालेगा यार, पासवर्ड हटाता हूँ, नाम डाले अपना वो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कोई लॉग इन सिस्टम वगैरह बना नहीं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको नेम कर दूँगा, और यहाँ पर इसका जो टाइप है इसको मैं नेम कर दूँगा, और मैं यहाँ पर इनपुट पासवर्ड 4 को नेम कर दूँगा, इनपुट पासवर्ड 4 को नेम कर दूँगा, और टाइप इज इक्वल टू नेम, आई डी इज इक्वल टू, ये बढ़िया। पर वैसे सेव करता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ और देखता हूँ, नेम पहले आना चाहिए था, ईमेल बाद में आना चाहिए था, ठीक है। उनको स्वॉप कर देता हूँ, कंट्रोल सी से कंट्रोल एक्स से कट करूँगा, और यहाँ पर इसके बाद क्या करूँगा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, प्रिटिफाई कर दूँगा कंट्रोल शिफ्ट एच दबा के। उससे क्या होता है, प्रिटिफाई हो जाती है हमारी HTML CSS और JavaScript, यहाँ पर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ठीक करता हूँ। नेम पासवर्ड ईमेल ईमेल आ गया, प्लेस होल्डर इसका मैंने चेंज नहीं किया था, तो मैं यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर चेंज कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ, रिलोड करता हूँ। देखो यहाँ पर नेम आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया, एड्रेस लाइन 2 करता हूँ, एड्रेस 2 को एड्रेस लाइन 2 करता हूँ, एड्रेस लाइन 2, और अगर एड्रेस की एक और लाइन है तो यहाँ पर आ जाएगी वो। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, सिटी लिख सकता है वो बंदा अपना, स्टेट चूज़ कर सकता है, जिप कोड डाल सकता है। स्टेट को मैं एक इनपुट बना दूंगा, मैं चूज़ नहीं करवा रहा हूँ अभी स्टेट, तो मैं ऑप्शन नहीं डालूंगा मैं इसको, मैं स्टेट को क्या डालूंगा, जैसे हमारा ये था, हमारा ये हुआ करता था, उसी तरह डाल दूंगा मैं, इनपुट टैग डाल दूंगा उसमें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेबल फॉर इज इक्वल टू इनपुट स्टेट आ गया, सेलेक्ट हटा के एक इनपुट टैग लगा देने का यहाँ पर, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर स्टेट में लिखूँगा एंटर स्टेट, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और इसको रिलोड करता हूँ, और यहाँ पर देखो अभी स्टेट एक इनपुट टैग बन गया। यहाँ पर टाइप करेगा बंदा, अगर सही स्टेट टाइप करेगा तो उसको सामान मिलेगा, सही स्टेट टाइप नहीं करेगा तो उसको सामान नहीं मिलेगा, इसलिए वो सही स्टेट ही टाइप करेगा। ये चेक मी आउट जो है इसको मैं हटा देता हूँ, चेक मी आउट क्या लिखा हुआ है ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पर ये चीज़ मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ये पूरा ही हटा देता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव किया और इसको रिलोड किया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे लिए इनफ होनी चाहिए, और ये देखो नाम, ईमेल और एड्रेस, एड्रेस हमने दे दिया, फ़ोन नंबर एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो फ़ोन नंबर भी यहाँ पर एक मैं ऐड करता हूँ। तो नेम ईमेल के साथ साथ मैं यहाँ पर एक फ़ोन नंबर भी ऐड करूँगा, तो देखो मैं कैसे करूँगा फ़ोन नंबर ऐड। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने ये अभी हटाया था, मैंने वापस से इसको मैं एक इनपुट टैग लगा देता हूँ, यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देता हूँ, और ये लेबल हटा देता हूँ यहाँ पर, और ये काम करता हूँ यार, मैंने जिप जिप के लिए इनपुट टैग बनाया हुआ है ना यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्लास इज इक्वल टू ये इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और यहाँ पर इसको कॉल MD2 हटा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल से सेव करूँगा, यहाँ पर फ़ोन लिख दूंगा, टाइप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, कंट्रोल से सेव करूँगा। अब देखो यहाँ पर मैं इसको जैसे रिलोड करूँगा, यहाँ पर फ़ोन का भी ऑप्शन आ गया, तो फ़ोन नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, नंबर, ठीक है, नंबर यार। अब यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करेगा तो वो यहाँ पर इनपुट जिप की जगह इनपुट फ़ोन कर देता हूँ, आईडी जो है यूनिक होनी चाहिए, फ़ोन का पी कैपिटल कर देता हूँ कैमल केस को रिटेन करने के लिए। कंट्रोल से सेव करूँगा, यहाँ पर प्रिटीफाई कर लेता हूँ, प्रिटीफाई कोड, प्रिटीफाई हो जाता है कोड अपना, रिलोड किया इसको मैंने। अब देखो यहाँ पर मैंने फॉर्म बना दिया, अब प्लेस ऑर्डर जैसे ही बंदा करेगा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमारे पास ये है कि यार ये जो कार्ट आइटम्स हैं इनको कैसे पॉपुलेट करें, तो इनको मैं आप लोगों को पॉपुलेट करना बताऊंगा। आप देखते रहो ये सीरीज़, ये देखते रहो, कोर्स पूरा करना, बीच में से मत हटना। और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऐसा बनाने वाला हूँ कि जैसे प्लेस ऑर्डर कोई बंदा करेगा तो उसके बाद हमारे ऑर्डर्स में चला जाएगा, यानी कि हमें एक ऑर्डर्स का मॉडल बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमको ट्रैकर को भी चालू करना है। तो मैं कुछ ऐसा भी करूँगा, जैसे हमारे हमें ऑर्डर आ जाता है उसके बाद क्या होगा, बंदा कोई भी ट्रैक कर सकता है, यानी कि आप इन्फॉर्मेशन को पुश कर सकते हो डेटाबेस के अंदर कि भाई ये यहाँ तक पहुँच गया, गाज़ियाबाद तक पहुँच गया, उसके बाद हैदराबाद आ गया, या फिर अब दिल्ली में आ गया ये, या फिर उसी के बाद आप कह रहे हो कि यार मुंबई से निकल चुका है, पुणे पहुँच गया, पुणे से यहाँ चला गया, बैंगलोर आ गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर से, मुझे मालूम है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट अस है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अगर जब बंदा कोई सबमिट कर देता है फॉर्म को, तो हम कुछ मैसेज चाहिए कि जैसे आप codevidhari.com पे जाते हो फॉर्म सबमिट करोगे, तो यहाँ पर लिख कर आता है जब सबमिट हो जाता है फॉर्म कि योर फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड, तो बंदे को हो जाता है तसल्ली कि हाँ भाई मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया, वो भी मैं करूँगा, ठीक है। तो आप बस ये सीरीज़ को देखते रहो पूरा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जेंगो की जो प्लेलिस्ट है उसको शेयर करें। अगर आप लोग इसको शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जेंगो का, जिसमें मैं सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट एक वीडियो में सिखाऊंगा पूरी। तो बेसिक्स तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, लेकिन वो जो वीडियो होगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस तरह सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाई जाती है। फेसबुक है जैसे, अब देखो क्या होता है ना कि अमेज़ॉन वगैरह वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मुझे पता है, वो लोग उनके पास टीम है पूरी, यहाँ पर मैं एक अकेला आदमी बैठ के ये वेबसाइट बना रहा हूँ। तो कभी भी ऐसा मत बोलना कि यार अमेज़ॉन में तो ये होता है, आपके में ये नहीं होता।
अरे हम एक हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये सब काम कैसे किए जाते हैं। एक बार आपके पास टीम आ गई, आप भी डेटा सेंटर बना लो, आप भी इंजीनियर्स को हायर कर लो, रिकमेंडेशंस के लिए एक इंजीनियर आ जाएगा, उसी के साथ साथ फ्रंट एंड के लिए दूसरे इंजीनियर्स काम करेंगे, पूरी फ्रंट एंड की टीम रहेगी, बैक एंड की टीम रहेगी, एक टीम पाइथन संभाल ली है, एक टीम जावा स्क्रिप्ट संभाल ली है, एक टीम कोई और तरह की स्क्रिप्टिंग संभाल ली है, एक टीम डिप्लॉयमेंट संभाल ली है, एक टीम ट्रैफिक संभाल ली है, एक टीम ये संभाल ली है कि अगर कोई एरर वगैरह आ जाता है या फिर यूज़र के थ्रू कोई प्रॉब्लम आती है, कोई यूज़र कहता है कि भाई मेरा सामान नहीं पहुंचा, क्या वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो एक कंपनी बनाना पूरी ई कॉमर्स की आज की तारीख में इंडिया में तो लगभग मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यहाँ पर, लेकिन अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहते हैं, लेकिन टैक्स टैग जो होती है वो एक दूसरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम लोग कोड विद हैरी पर टेक्निकल चीज़ों को किस तरह बनाते हैं, किस तरह हमारी जो कंप्यूटर साइंस का एस्पेक्ट है वो हम यहाँ पर डील करते हैं। तो कभी भी आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा एक स्टार्टअप को फुली एग्जीक्यूट करने में, उसके लिए आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल्स भी चाहिए, लेकिन हाँ ये गुड स्टार्ट होगा। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप उठा के देख लो हिस्ट्री को कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने बनाए हैं स्टार्टअप, जिन्होंने सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाए हैं, उनमें से सबको टेक्निकल नॉलेज रही है। मार्क ज़करबर्ग ले लो आप किसी को भी उठा के देख लो, अब एक्सेप्शंस मुझे मत देना लेकिन मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज रही है और वही उसी की वजह से वो लोग आगे बढ़े हैं। सो यार अभी के लिए मैं कहूँगा इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कुछ कार्ड के साथ अब तक खेलता हूँ, मुझे भी मज़ा आने लग गया है यहाँ पर इसको क्लियर कार्ड करने में, इसको कम करने में, ज़्यादा करने में, वो सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं वो सब करता हूँ, आप भी करना अगर आप लोगों को मज़ा आता है तो। वीडियो को लेकिन ज़रूर लाइक कर देना, और अगर चाहते हो कि मैं सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट बनाऊँ तभी इसको शेयर करना, ठीक है? तो उससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन चाहता है कि मैं सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट आप लोगों को पूरा कोड के साथ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा डिप्लॉयमेंट के साथ एंड टू एंड बनाकर अगर एक वीडियो में बताऊँ, वो वीडियो कितना भी लंबा हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन मैं उसको कम से कम मतलब मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो अभी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।